press the bell icon to get first notification of Tech in this new video. नमस्कार दोस्तों, टेक हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो थोड़ा बहुत अनयूजुअल टॉपिक के बारे में है। वैसे अनयूजुअल कह तो नहीं सकते क्योंकि 1-1.5 साल पहले मैंने इसी टॉपिक पे टेक हिंदी का सबसे फेमस वीडियो दिया था कि इंडिया में पर्टिकुलरली 10 ऐसे आसान रास्ते कैसे हैं, किस तरह के हैं जिसे आप आसानी से ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं। तो आज का ये वीडियो उसी के बारे में है। यहाँ पे मैं एक पर्टिकुलर सीरीज बताने वाला हूँ आपको, वीडियो सीरीज करने वाला हूँ जिसमें 4-5 वीडियोस हो गए, और आपको पर्टिकुलरली ऐसे कौन से रास्ते हैं, क्या आपके लिए सही है, उसके बारे में आप थोड़ा बहुत ज़्यादा क्लियर हो पाएगी। अगर हम आज से 10 साल पहले की बात करें तो दुनिया में जो भी लोग हैं उसमें से सिर्फ 17% लोग इंटरनेट का यूज़ करते थे, मगर सिर्फ 10 साल में ये संख्या जंप होके हो गई है 46%, यानी कि उस टाइम से 3 गुना ज़्यादा लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं। तो इंटरनेट में पैसे कमाने के काफ़ी सारे रास्ते हैं और काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो ऑनलाइन पैसा कमाने का रास्ता इतना मुश्किल भी नहीं है, आसान है, मगर कहीं ना कहीं जो मुश्किलें आती है वो है शुरुआत करना। तो आपको भी कहीं ना कहीं शुरुआत करनी पड़ेगी, जैसे कि मैंने 5 साल पहले शुरुआत की थी। टाइम जैसे बीतता गया, चीज़ें मैं भी सीखता गया और इस फील्ड में मैं भी थोड़ा बहुत एक्सपर्ट बनता गया। वैसे तो मनी मेकिंग की इस सीरीज़ में मैं आपको 20 से भी ज़्यादा पैसे कमाने के तरीके बताने वाला हूँ, मगर पर्टिकुलरली इस डिपार्टमेंट में भी 2 विभाग है, 2 अलग अलग टाइप की इनकम है जिसके बारे में आपको बिल्कुल जानना चाहिए। पहला तो है एक्टिव इनकम ऑफ सोर्स और दूसरा है पैसिव इनकम ऑफ सोर्स। एक्टिव इनकम कुछ इस टाइप की इनकम है कि अभी आपके पास टाइम है, फ्री टाइम है, जिसे आप लगाते हो और आप थोड़े बहुत पैसे भी उससे कमाते हो, मगर वो पैसे उस पर्टिकुलर टाइम के लिए ही रहने वाले हैं। अगर आप सोच रहे हो आज जो आपने काम किया उसका 1-2 साल बाद भी आप उसमें से मुनाफा चाहते हो, तो वो है पैसिव इनकम ऑफ सोर्स। यानी कि आज आप काम करो या फिर थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करके कुछ पैसे, अभी स्टार्टिंग में आपको नहीं मिलेंगे मगर काफ़ी टाइम के बाद वो चीज़ के आपको पैसे मिलेंगे या फिर लॉन्ग टर्म तक आपको पैसे मिलेंगे। जैसे कि मार्क जुकरबर्ग ने स्टार्टिंग के बहुत सारी मेहनत करके फेसबुक बनाया, मगर 10 साल बाद भी उससे काफ़ी सारे वो पैसे बना रहा है, तो वो है पैसिव इनकम ऑफ सोर्स। तो ये पर्टिकुलर ऑनलाइन इनकम का डिपार्टमेंट 2 पर्टिकुलर विभागों में विभाजित है। तो यहाँ पे 2 विभागों में से आपके लिए कौन सा विभाग सही है या फिर आप अपना टाइम किस चीज़ में इन्वेस्ट करें, एक्टिव इनकम ऑफ सोर्स या फिर पैसिव इनकम ऑफ सोर्स, दोनों चीज़ें एक्साइटिंग है तो आपके लिए कौन सा सही रहेगा, वो दिमाग में आपके ये क्वेश्चन बिल्कुल होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ी और इन्फॉर्मेशन देता हूँ और आपका माइंड थोड़ा बहुत और क्लियर करता हूँ। पहले लीजिए एक्टिव इनकम ऑफ सोर्स। वहाँ पे आप जो भी काम करेंगे वहाँ पे आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, ज़्यादा आपको टाइम नहीं देना है, ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी और पैसे भी आप कमा पाएंगे। पैसे थोड़े बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करते हैं कि कौन से पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में आप अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं। मगर जो पैसिव इनकम ऑफ सोर्स है वहाँ पे आपको स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट लगेगा, थोड़ी बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी। ऐसा भी हो सकता है कि 6-7 महीने 1 साल तक आपको कुछ भी ना मिले, आपको पैशन एंड पेशेंस के साथ उस पर टिके रहना है और 2-3 साल के बाद आपको नहीं सोचा होगा आपने खुद, वैसा आपको रिवॉर्ड मिल सकता है। तो ये दोनों चीज़ें एक्साइटिंग लग रही है। तो आपको सोचना है कि आप एक स्टूडेंट है, पार्ट टाइम आप सोच रहे हैं, या फिर आपको कुछ ऐसे बिल्स पे करने हैं मेरी तरह, या फिर आपको आपके घर का रेंट पे करना है और आप शॉर्ट टाइम में कुछ सोच रहे हैं पैसे कमाने के, तो एक्टिव इनकम ऑफ सोर्स आपके लिए एक अच्छा वे हो सकता है। अगर आप सोच रहे हैं इस चीज़ को या फिर ऑनलाइन पैसा कमाने की चीज़ को एक करियर की तरह ले रहे हैं, या फिर आप सीरियसली अपने आप को कहीं पे देखना चाहते हैं कुछ साल के बाद, या फिर आप ऑनलाइन इंटरनेट पे अपनी पर्सनालिटी डेवलप करना चाहते हैं, एक इमेज डेवलप करना चाहते हैं, तो पैसिव इनकम ऑफ सोर्स या फिर वो रास्ता आपके लिए सही रहेगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने तय कर लिया होगा कि आपके लिए कौन सा वे या फिर कौन सा पार्ट सही रहेगा ऑनलाइन इनकम करने के लिए। अगर यहाँ पे कुछ बेसिक जरूरियातें हैं जो आपके पास होनी चाहिए ऑनलाइन इनकम स्टार्ट करने से पहले। वैसे यहाँ पे ऑनलाइन इनकम की दुनिया में आपकी एज नहीं पूछी जाएगी, आपसे डिग्री नहीं पूछी जाएगी, भले आपने कुछ भी स्टडी ना की, आपको बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज हो तो आप ऑनलाइन इनकम आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा भी जैसे कि आपके पास एक बेसिक स्मार्टफोन होना चाहिए जिससे आप वीडियोज़ या फिर फोटोज़ या फिर ऐसी कुछ चीज़ें शूट कर पाए। उसके अलावा आपके पास बेसिक सा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, भले ही आपके पास कोई वाईफाई कनेक्शन ना हो या फिर फास्ट इंटरनेट कनेक्शन ना हो, या फिर मोबाइल में जो 2G इंटरनेट होता है वो भी होगा तो भी चलेगा स्टार्टिंग के बेस पे। उसके बाद आप
आपको बेसिक से कंप्यूटर ऑपरेशंस आने चाहिए, कंप्यूटर स्टार्ट कैसे करना है, वेबसाइट कैसे खोलनी है या फिर वेबसाइट ब्राउज कैसे करनी है, उसमें अकाउंट्स कैसे बनाने हैं, वो सारी बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। ऑब्वियसली आप फेसबुक यूज़ करते हैं, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, तो मैं अज्यूम करता हूँ कि ये सारा नॉलेज तो आपके पास होगा ही। और उसके साथ आपके अंदर कुछ करने का पैशन होना चाहिए और पेशेंट होना चाहिए। हो सकता है कि कुछ इनिशियल टाइम पे आपको उतना सक्सेस रेट देखने को ना मिले, फिर भी उस चीज़ को आपको चिपके रहना पड़ेगा और उसको आपको पूरा की पूरी आपकी सॉल्व देनी पड़ेगी, पूरा आपको मन लगा के वहाँ पे काम करना पड़ेगा, खुद कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा उस चीज़ के बारे में। हो सकता है कि आगे की सीरीज में मैं कुछ ऐसे रास्ते आपको बताऊँ जिसके बारे में आपको इनिशियल कोई भी नॉलेज ना हो, तो क्या हुआ, जब स्टार्टिंग मैंने की थी तब भी मुझे इंटरनेट के बारे में जब कुछ नॉलेज नहीं था। और मेरी कुछ ऐसी पर्सनल बातें बताऊँ तो 12th के बाद जब मैं इंजीनियरिंग में आया तभी मैंने कंप्यूटर लिया, अपना पहला कंप्यूटर। ना ही मेरे पास लैपटॉप था, ना ही एक स्मार्टफोन था, तभी सारी चीज़ें मैंने ली और 5 साल में मैं यहाँ पे हूँ। तो आप उसे भी थोड़ी बहुत मोटिवेशन ले सकते हैं। तो अगर कोई चीज़ों के बारे में नॉलेज ना हो तो उसे आप खुद सीख सकते हैं, यही ब्यूटी है ऑनलाइन इंटरनेट की दुनिया की। वहाँ पे आपको कोई पूछने नहीं आने वाला, वहाँ पे आपकी कोई बेइज्जती नहीं करने वाला, आप इंडिपेंडेंटली घर पे बैठे अपने कंफर्ट जोन में वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। इंटरनेट पे जाइए, पर्टिकुलर आपको फोटोशॉप नहीं आता है, वीडियो एडिटिंग नहीं आती है, और कैमरा कैसे संभालना वो नहीं आता है, सारी चीज़ें इंटरनेट पे ऑलरेडी अवेलेबल है। आपको जाके वहाँ पे सिर्फ गूगल देवता को पूछना है, सर्च करनी है चीज़ें, यूट्यूब है आपके पास, वहाँ पे वीडियो ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, वहाँ से आप कुछ सीख के आपको पर्टिकुलरली ऑनलाइन पैसे बनाने की दुनिया में कूदना है। तो शुरुआत करना बहुत ही हार्ड है, वो कर दिया तो आपने पूरी दुनिया जीत ली है। तो शुरुआत कीजिए, अपने आप पे कॉन्फिडेंट रखिए और ऑनलाइन इस दुनिया से जुड़िए और आप भी पैसे कमाने के बहुत सारे मौके पा सकते हैं। तो इस वीडियो सीरीज में अगला वीडियो हमारा होगा एक्टिव इनकम ऑफ सोर्स, उसके बाद मैं कुछ पैसिव इनकम ऑफ सोर्स बताऊंगा जो काफ़ी एक्साइटिंग रहेंगे, और उसके बाद मैं आपको मेरी थोड़ी बहुत पर्सनल बातें बताऊंगा तीसरे वीडियो में या फिर इस पर्टिकुलर सीरीज के फोर्थ और लास्ट वीडियो में, जहां मैंने कुछ लूप होल्स या फिर कुछ इंटरनेट पे कमियों की वजह से मैंने काफ़ी सारे पैसे बनाए थे, तो वो स्टोरी भी आपके लिए काफ़ी एक्साइटिंग रहेगी। होप ये पर्टिकुलर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, मोटिवेशनल रहा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, मोटिवेशनल लगा हो, तो अपने दोस्तों और रिलेटिव के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, और मैं कुछ और भी नए ऐसे एक्साइटिंग वीडियोज़ के साथ आपका दिन शुभ रहे।